कैसे हो भाई लोग। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टेक्नोजू। दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ा सॉरी, क्योंकि मैं पिछले रविवार को आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया था, क्योंकि मैं कुछ अपने काम में अटक गया था। लेकिन आज मैं लाया हूं एक रिव्यू, वो भी वीयू के 43BU11 4K स्मार्ट टेलीविजन के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस टीवी के कुछ प्रोस एंड कॉन्स। दोस्तों जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसमें कुछ अच्छी बातें होती है और कुछ बुरी, तो आप कैसे जज करोगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं। तो सेम वे मैं इस टीवी का प्रोस एंड कॉन्स दोनों आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चले कि ये टीवी आपके खरीदने के लायक है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों तो सबसे पहले हम इसकी अच्छी बातें सुनेंगे, यानी इसमें क्या अच्छा है मैं आपको पहले सबसे पहले वही बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी इस टेलीविजन में, और वो है इसकी 4K पैनल। तो 25,000 के अंदर अगर हमें 4K पैनल देखने को मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमें इसमें देखने को मिल जाती है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें हमें 4K पैनल देखने को मिल जाती है, और ये A+ ग्रेड पैनल है। इसकी वजह से आपको वीडियो क्लैरिटी या जो भी आप इसमें देखते हैं उसकी क्लैरिटी बेटर मिलती है। और इसका एक और फीचर है नॉइस रिडक्शन का, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। या जब भी आप SD चैनल्स देखते हैं तो नॉइस रिडक्शन ऑन कर दे तो इसकी वजह से आपको क्लैरिटी जो है वो थोड़ी बेटर मिलेगी, क्योंकि इसमें से जो नॉइस है वो कम हो जाएगी उस डिस्प्ले की। तो ये एक अच्छा फीचर है, मुझे इसमें अच्छा लगा। और इसका अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करूं तो इसमें आपको डिसेंट ऑडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि अब इसमें आपको 10 वॉट्स के दो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जिसका एक्चुअल आउटपुट तो 8 वॉट है, लेकिन एक डिसेंट आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका बास बहुत अच्छा है। आप इसको आराम से मतलब अपने नॉर्मल कंडीशन में इसे यूज कर सकते हैं, और इसमें मोस्टली अगर आपके पास म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि ये इसका जो ऑडियो आउटपुट है वो काफी डिसेंट है, आपको अच्छा लगेगा इसका ऑडियो सुन के। और इसके दूसरे अच्छे फीचर्स की बात करूं तो इसमें हमें वाईफाई का, लैन का और हॉटस्पॉट का सपोर्ट मिल जाता है। जो वाईफाई और लैन है वो तो आपको पता ही है कि आपको लैन केबल लगाना है या वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फीचर मुझे अच्छा लगा वो है हॉटस्पॉट। यानी अगर आपके पास सिर्फ ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और वाईफाई राउटर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना लैन इस टीवी में कनेक्ट कीजिए और इसको कनेक्ट करने के बाद हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, तो उसके बाद आप अपने मोबाइल में भी इसका हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस टीवी की। और अगर मैं इसके वीडियो रिजोल्यूशन की बात करूं तो इसमें बहुत ही अच्छा वीडियो रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी इसके वीडियो के रिगार्डिंग। और इसकी रिफ्रेश रेट की बात करूं तो 60 हर्ट्ज की हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छा रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और इसका बेनिफिट आप डायरेक्टली देख सकते हैं अपने गेमिंग कंसोल पे। जब आप एक अपना गेमिंग कंसोल जो है, जैसे कि एक्सबॉक्स या कोई और गेमिंग कंसोल, आप इसमें प्लेस्टेशन कनेक्ट करते हैं इस टीवी में HDMI थ्रू, तो आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, आपको 4K गेमिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 4K 60 हर्ट्ज पे आपको देखने मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप लैपटॉप या अपना कंप्यूटर भी इससे HDMI से कनेक्ट करते हैं तो भी आपको 1080 या 4K तक का सपोर्ट मिलता है 60 हर्ट्ज पे। तो ये बहुत अच्छी बात है इस टीवी की। और अगर मैं दूसरी कुछ बात करूं तो मोस्टली इसमें बहुत सारे कॉन्स हैं। तो अभी ये कॉन्स की बात करते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये वीयू का स्मार्ट टीवी है, लेकिन ये फुल्ली स्मार्ट नहीं है, प्योर एंड्रॉइड पे नहीं रन करता। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिसिंग है, इसका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा नहीं है, थोड़े लैग्स है इसके सॉफ्टवेयर रिलेटेड। तो मेन प्रॉब्लम इसका यही है कि ये एक प्योर स्मार्ट टीवी नहीं है, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाता है इसमें। जैसे कि आपको जब आप स्क्रीन मिररिंग करते हैं तो आपको ऑडियो जो है मोबाइल से ही आएगा, जब आप मोबाइल से स्क्रीन मिरर कर रहे हैं तो टीवी से आपको ऑडियो आउटपुट नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन है, और बहुत लोगों को स्क्रीन मिररिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसके लिए आपको कोई और डिवाइस में ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, तो आपको बेटर स्क्रीन मिररिंग देखने को मिल जाएगी, ऑडियो भी आउटपुट इसमें से देखने को मिल जाएगा। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं है, तो यानी अगर आपके पास ब्लूटूथ सिस्टम्स है, ऑडियो सिस्टम्स है, ब्लूटूथ ऑडियो सिस्टम्स, तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, ब्लूटूथ हेडफोन को इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कॉन है मेरे ख्याल से। तो अगर आपको कुछ म्यूजिक सिस्टम्स कनेक्ट करनी है तो आपको ऑक्स का ही यूज करना पड़ेगा, इसमें ऑक्स का पोर्ट दिया गया है, तो आप उसको ऑक्स का पोर्ट यूज करके आप अपनी सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें ऑडियो ले सकते हैं, लेकिन इसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और मेन चीज, इसमें बहुत सारी ऐप क्रैश होती है। क्यों यार, कम से कम स्मार्ट बना रहे हो तो एप्स को भी स्मार्ट बना दो, एटलीस्ट क्रैश ना हो ऐसी बना दो। क्या कर सकते हैं, अब इस टीवी में बग है तो
तो है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट सिर्फ 25,000 है तो आप ये लेस लो, और थोड़े टाइम के बाद जब आपको ऐसा लगे कि इसमें मेरे को सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3,000 या 4,000 की जो Amazon Fire TV स्टिक आती है वो प्योर एंड्रॉइड पे वर्क करती है, तो आप वो यूज कर सकते हैं, या क्रोमकास्ट का यूज कर सकते हैं कास्टिंग के लिए और दूसरे सब उसके लिए। तो ये मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको पैनल तो अच्छी मिल रही है तो आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस का यूज कर सकते हैं, 3,000 या 4,000 ज्यादा देने पर आपको प्योर एंड्रॉइड का फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये 4K पैनल 25-26,000 में मिलती है तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और इसकी मेन इसका बेनिफिट ही ये है कि इसकी पैनल बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे सिर्फ इसके में एक और कॉन दिखा है और वो है डिस्प्ले ब्लीडिंग का। हाँ दोस्तों, इसमें डिस्प्ले ब्लीडिंग है, और मैंने इस टीवी को एक बार रिप्लेस भी करवाया अपने डिस्प्ले ब्लीडिंग इश्यू के रिगार्डिंग, लेकिन द इश्यू रिमेंड एज इट इज, यानी वो जो प्रॉब्लम है मेरा ऐसा का ऐसा है नया टीवी आने पर भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आप इजीली नोटिस नहीं कर पाओगे, बहुत ही माइनर सा डिस्प्ले ब्लीडिंग है, और जैसे कि अगर आपको ये नोटिस करना है तो आपको पूरी की पूरी ब्लैक इमेज लेनी होगी, उसको ओपन करना होगा और अपना रूम या जो कंप्लीट जहां पे आपका टीवी है वो पूरा डार्क करना होगा, यानी कि एकदम अंधेरा होगा, तभी ही आप नोटिस कर पाएंगे कि वहां पे डिस्प्ले ब्लीडिंग है। मोस्टली इसके एजेस पे डिस्प्ले ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन ये इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा जब आप अपने नॉर्मल यूज कर रहे हैं या नॉर्मली यूज कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं अभी भी मैंने एक ब्लैक इमेज ओपन की है टेक्नोजू की, यहाँ पे आपको डिस्प्ले ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैंने ये सारी लाइटिंग कंडीशंस ऑफ कर दी तो मुझे इसकी एजेस पे डिस्प्ले ब्लीडिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत ही माइनर है, आप इजीली नोटिस नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से इतना बड़ा कॉन नहीं है, क्योंकि इसमें हमें 4K पैनल मिल जाती है और व्यू हमें इतने कम प्राइस में इतना सब दे रहा है, यही एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ही स्मार्ट टीवी है, आप इसको लेके Amazon प्राइम प्ले करेंगे या Netflix प्ले करेंगे, तो इसमें ऐसा कोई अच्छा सपोर्ट नहीं है, Amazon प्राइम जो ऐप है वो क्रैश होती रहती है और बहुत सारे बग्स है इस टीवी में। हालांकि मैंने जो 10 प्लस बग सॉल्यूशन वाला एक वीडियो निकाला है जिसमें मैंने इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो इस टीवी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरे अगर कुछ बात करूं तो इसमें मेन प्रॉब्लम है, जैसे मैंने 10 बग सॉल्व करके दिखाया था, उसमें एक बग था कि यूट्यूब पे आप 4K वीडियोस नहीं देख पा रहे थे, मैंने उसको सॉल्व करके दिखाया कि आप 4K वीडियोस प्ले कर सकते हैं। अब 4K वीडियोस प्ले होने पर प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा टीवी कभी कभी हैंग हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले अपने टीवी का मेन पावर सप्लाई ऑफ कर दो, उसके बाद उसे फिर से रिबूट करो, यानी फिर से चालू करो इस टीवी को, और सीधा यूट्यूब ओपन करो और दूसरे कोई ऐप्स को ओपन मत करना, क्योंकि लिए जब आप 4K वीडियो प्ले करते हैं तो इसकी रैम कंजप्शन मैक्सिमम हो जाती है, इसकी वजह से आपको 4K में जब वीडियो लोड करवाते हैं तो ज्यादा रैम कंजप्ट होती है, इसकी वजह से आपका टीवी हैंग होने लगता है। तो आपको क्या करना है, रिबूट करके सिर्फ डायरेक्टली यूट्यूब ओपन करना है, और उसके बाद अगर आप 4K में वीडियो लोड करवाते हो तो आपको 10-15 मिनट अपने बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन आपको उसको थोड़ी देर के लिए लोड होने देना है, जब तक ये आधा या उससे ऊपर लोड हो जाए उसके बाद उसे प्ले करेंगे तो आपको ये वीडियो हैंग होने वाला मतलब YouTube हैंग होना या टीवी हैंग होने वाला प्रॉब्लम नहीं होगा या वीडियो भी हैंग नहीं होगा। तो जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम था कि भाई YouTube के टाइम वीडियो या टीवी हैंग हो जाता है, तो मेरे लिए उनके लिए यही सजेशन है कि आप पहले वीडियो को लोड होने दो, उसके बाद टीवी हैंग नहीं होगा, क्योंकि लिए जब आप देख रहे हैं तो उसकी दो प्रोसेस चालू रहती है, एक वीडियो को प्ले करना और वीडियो को बैकएंड में लोड करना। तो एक बार अगर लोड हो जाता है तो आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी YouTube में भी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।